बेटा ये मेरे पैसे उठा दो बेटा। अबे ओ बुड्ढे, दिमाग से पैदल नजर आते हो क्या? जो ये पैसे उठा करके मैं तेरे को दूंगी, ये पैसे ना मैं खुद ले लूंगी। बेटा ये तो मेरे पैसे हैं, मुझे दे दो बेटा। अबे ओ, ये पैसे ना तेरे थे, अब ये पैसे मेरे हो चुके हैं, समझ आई? बेटा तुम ऐसा मत करो बेटा। अबे तू गवार वार है क्या? अगर तेरे पैसे तो उठा लेना उठ के। क्यों, क्या हो गया? लंगड़ा है, चल नहीं सकता? और मेरे साथ ज्यादा फालतू की बकवास करी ना तो तेरे हाथ तोड़ के ना तुझे टूंडा और बना दूंगी, समझ आई? बेटा तुम ऐसे कैसे बदतमीजी से बोल सकते? तेरे जैसे लंगड़े बुड्ढे के साथ ना इसी तरीके से बात करी जाती है। और अगर मेरे साथ ज्यादा बकवास करी ना तो तेरे मुँह पे फाइल दूंगी रख के, समझ आई? और ना तेरे को तेरे परदादा के पास भेज दूंगी। और अब मेरे फालतू की बकवास मत कर, इंटरव्यू के लिए लेट कर दिया उस बुड्ढे ने। निकल यहाँ से। अबे चल ना गवार। न जाने कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, दुनिया बड़ी लालची है। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। बेटा बेटा ये पैसे उठा दो बेटा। अबे बुड्ढे, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो ये पैसे उठाऊंगा ते सारे पैसे। पहले तो ये बता, ये तेरे पैसे हैं? हाँ बेटा ये मेरे पैसे हैं बेटा, उठा दूंगा। साले लंगड़े, तेरी इतनी औकात तो लग नहीं रही कि इतने सारे पैसे तेरे पास होंगे। सच सच बता कहाँ से चुरा के लाया तू? बेटा तुम मुझसे इस तरह क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम बड़ी कंपनी में सर्विस करते हो और तुम असभ्य बात कर रहे हो मुझसे। तेरी हद नहीं होगी बुट्टे हैं? साले तू अपनी उम्र से ज़्यादा नहीं बोल रहा है? एक थप्पड़ मार दिया ना नीचे गिर जाएगा और खड़ा भी नहीं हो पाएगा। साले ऊपर से तो लंगड़ा भी है। बेटा कम से कम मुझसे ऐसा तो मत बोलो, मेरे पैसे उठा दो बेटा। उठा रहा हूँ, रुक जा बुड्ढे। बेटा मेरे पैसे हैं बेटा, ये मेरे हैं बेटा। तेरे पैसे हैं? हाँ बेटा। ले उठा, उठा पैसे, उठा पैसे, उठा उठा पैसे, उठा उठा साले पैसे, उठा तू तू पैसे उठा, पैसे उठाना। अपनी ना औकात में रही हो, समझ में आ गया? ये तेरे पैसे नहीं है, ये अब मेरे पैसे हैं, समझ में आ गया? चल साले बुड्ढे, ये सारे पैसे मेरे हैं, तूने मेरे ही पैसे चुराए थे ना, हट ना यहाँ से। मेरे पैसे, मेरे पैसे। अबे ओए, तेरे बाप ने भी देखे इतने पैसे, मुझे पक्का पता है तू कहीं से चुरा के लाया है। बेटा मेरे पैसे। अबे ओए, मेरे पैसे बेटा। साले इतना मारूंगा ना, याद रखेगा, समझ में आ गया? यहीं पड़ा रहे। मेरा बैग, तेरे वजह से मेरा बैग भी गंदा हो गया। अरे अंकल क्या हुआ? बेटा मैं इस कंपनी से निकलकर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था बेटा, मेरी चेयर पलट गई और मेरा पैर इसमें फंस गया, सारे पैसे गिर गए बेटा। आप रुकिए। लीजिए अंकल जी आपके पैसे। बेटा मेरी चेयर भी सीधी कर दो बेटा और मुझे इस पर बिठा भी दो बेटा, मुझे बैठा भी दो। आइए अंकल। बेटा मेरे ये पैर ऊपर रख दो बेटा। अंकल आपको ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी ना, आप ठीक है? नहीं बेटा मुझे कोई चोट नहीं लगी बेटा। आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप चला जाऊंगा बेटा। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं? हाँ जी यहीं पे हो रहा है, प्लीज आप वेट कर लीजिए। ठीक है। इंटरव्यू देने आए हो? हाँ, मैनेजर की पोस्ट के लिए। यस सेम। वैसे मेरे ना पापा के दोस्त हैं यहाँ के बॉस, तो मेरी अप्रोच है वैसे। वैसे शायद मैंने आपको बताया नहीं, मेरी भी अप्रोच है। ओके अच्छी बात है। वैसे ना मैनेजर का कैबिन भी बहुत अच्छा है, मैंने तो पहले से ही देख रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम भी जॉब के बाद देख लेंगे। एक्सक्यूज मी भैया, कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू में? प्लीज़ मैम आप 10 मिनट वेट कर लीजिए, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है।
सर इंटरव्यू क्या यहीं पे चल रहा है? इंटरव्यू तो यहीं पे हो रहा है, आपने टाइम देखा है कितना टाइम हो रहा है? सॉरी सर, वो क्या है ना, एक नीचे ना अफाइज अंकल गिरे हुए थे अपने व्हील चेयर से, बस उनकी मदद करने में लग गया था इसलिए मैं लेट हो गया। अभी तो सर आए नहीं है, तभी मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ। हमारे सर ना टाइम के बड़े पंचुअल है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सर। आइए आइए, मच्छी बाजार में आए हैं लगता है आप। हाँ, जब चाहे अपनी मर्जी से आए और जब चाहे गए। एक बार इसके कपड़े तो देख जरा। हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, आप इंटरव्यू देने ही आए हैं ना या फिर कहीं बास्केटबॉल खेलने आए हैं? मेरे को तो ये कचरा साफ करने वाला लग रहा है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, टाइम का कोई पंचुअल नहीं है, पता नहीं कल को जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। मेरे को तो वैसे लग रहा है नहीं लगेगी, अगर लग भी गई यहाँ छोटे मोटे पियोन की तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हाँ वहाँ भी टाइम से नहीं आएंगे, और दो दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दो दिन के अंदर ना आप यहाँ से निकाले जाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे ना यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट लगने वाली है, तो तुम्हारे जैसे को ना मैं यहाँ पे पियोन की नौकरी पे भी नहीं रखूँगी। प्लीज मैम आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे पहले आप ये बताइए कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू में, हमें कुछ और काम नहीं है क्या? सुबह से लेके अभी तक बैठे पड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए, अभी तक आपके बॉस नहीं आए हैं। आप अपने बॉस को कॉल करिए, आपको पता नहीं है कि हम है कौन? अगर बॉस को पता चल गया ना कि आपने हमको यहाँ पे वेट कराया, तो आपकी भी नौकरी जा सकती है। आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं क्या? और वैसे भी आप ना शक्ल से बदतमीज लग रहे हैं। अबे वो खचरे, तू ना चुप रह, ऐसा ना हो तेरे को लात मार के ना इंटरव्यू से पहले ही बाहर निकाल दें यहाँ से हम। और वैसे भी तेरी यहाँ पे अगर प्यून की जॉब लग भी गई ना, तो सुबह से शाम तक जितनी बार मेरे सामने आएगा ना तू ऐसे करके सैल्यूट कर रहा हूँ। इसकी शक्ल भी चपरासी जैसी है। और आप प्लीज कॉल करिए ना बॉस को। और भाई तुम कितना टाइम लगेगा भाई, अपने बॉस को बुलाओ यार, यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, कोई टाइम पास करने नहीं आए, हमारे पास और भी काम होते हैं। अरे आप प्लीज कॉल करिए बॉस को। ठीक है सर, करूंगा फोन। हेलो सर, मैंने अंदर भेज दूँ इंटरव्यू के लिए? ये लोग काफ़ी हल्ला कर रहे हैं बाहर। ठीक है सर, आप तीनों में से दिखी कौन है? मैं हूँ सर। जी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी जॉब लग चुकी है, और प्लीज आप दोनों बाहर चले जाइए। ऐसे कैसे इसकी जॉब लग गई? इसकी शक्ल देखिए, मुझे लग रहा है ना कि इसने पैसे भरे होंगे, वरना इसको तो कोई चपरासी की नौकरी पे भी ना रखे। सही कह रही है तुम, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसने पैसे दिए होंगे। एक काम कर, अपने सर को ना बाहर बुला, हमसे बात करा। अरे हम पागल हैं क्या? सुबह से लेके अभी तक हम इंटरव्यू के लिए यहाँ बैठे पड़े हैं, और वो किसी को ऐरे गहरे को भी सिलेक्ट कर देंगे, पुलिस केस कर सकते हैं। जल्दी बुला ले, फोन कर अभी के अभी। मेरे को लग रहा है तुमने अपने बॉस को बताया नहीं है कि इंटरव्यू देने के लिए आया कौन है, क्योंकि अगर तुम्हारे बॉस को पता होता ना तो इसको तो कभी जिंदगी में सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो अप्रोच है, हमें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? अपने बॉस को कॉल करो, अभी के अभी बुलाओ, हम कोई पागल नहीं है जो यहाँ पे आकर के अपना टाइम वेस्ट किया हमने। और ये भी सोच लेना कि हम ऐसे जाएंगे नहीं। वेट, हेलो सर, प्लीज सर आप बाहर आ जाइए, ये लोग ना बहुत हल्ला मचा रहे हैं। ओके सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को? दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत आपको ही है शायद कोई। और आपने किसको रख लिया जॉब पे? आपके पास अप्रोच तो आई होगी रिंकी मिश्रा के नाम से। और सर एक बात बताइए, अभी तक इंटरव्यू चालू भी नहीं हुआ है और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आखिर मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया आपने? इतने पार्शियल हो गए आप, मुझे तो लगा कि इतने बड़ी कंपनी के बॉस है तो अच्छे खासे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसे ही मुंह उठा करके किसी भी ऐरे गहरे को सिलेक्ट कर लिया, भले वो पिछली कंपनी में चपरासी क्यों ना हो। सही कह रहे हो आप, अप्रोच आई थी लेकिन मैंने उसे कंसीडर नहीं किया मैम। और वैसे भी सर, अगर इसने आपको 2-4 लाख रुपए दिए हैं तो आप हमें बता दीजिए, हम 5-6 लाख रुपए दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और चाहे ना तो हम आपकी कंपनी भी खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपके पास इतना पैसा है तो मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे आपको किसी से मिलवाता हूँ मैं। मिस्टर हुकुम सिंह जी अंदर आइए। पहचानते हैं नहीं आप? ये बुढ़ा, ये तो लंगड़ा था ना और व्हील चेयर पे था, एक नंबर का झूठा है ये, इसके तो मुंह पे मुक्का मार देना चाहिए था। सही कह रही है तुम। अबे बुढ़े, नीचे तो ऐसे बैठा हुआ था अपने व्हील चेयर पे जैसे तेरे सच में पैर टूटे हो, पर यहाँ पर अपने दोनों पैर पे खड़ा हुआ है, तेरे को शर्म नहीं आई? अच्छा किया मैंने तेरी मदद नहीं करी।
जो कुछ आपने वहाँ देखा वो सब मैंने सर के कहने पे किया था। हुकुम सिंह जी की कोई गलती नहीं है, उनको मैंने ही कहा था एक्टिंग करने के लिए। दरअसल आप लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं, नीचे ही शुरू हो चुका था और मैं सीसीटीवी में बैठा हुआ अंदर सब कुछ देख रहा था। अफसोस आप दोनों फेल हो गए। आपने एक अपाहिज इंसान की मदद करने की बजाय उसके पैसे ले लिए और उसके साथ बदतमीजी की। वहाँ पे ये रिक्की, इस बेचारे ने उस इंसान की मदद की और उसके पैसे भी उसको वापस दिए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे एम्प्लॉयज के अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हो सकता है कि उसके पास डिग्री कम हो, लेकिन इंसानियत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ करोड़ों का काम चलता है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत और ईमानदारी नहीं होगी ना, वो हमारी कंपनी का भट्टा बिठा सकता है। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते थे और अफसोस आप दोनों फेल हो गए उसके अंदर। पहले जाइए, इंसानियत सीख के आइए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पास हो जाएं। यहाँ के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने की बजाय आप अपने करेक्टर की प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक आपको डिग्री देख करके जॉब देनी चाहिए, ना कि ऐसे ऐसी चीज़ों पे। हाँ जी, ये कौन सा तरीका हुआ इंटरव्यू लेने का? हमने और जगह इंटरव्यू नहीं दिए क्या? हम पहली बार इंटरव्यू देने आए हैं, जो आप हमारे साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैडम, अपनी डिग्री अपने पास रखिए, मुझे ज़रूरत नहीं आपकी डिग्री की। और आप भी सर चुपचाप चले जाइए यहाँ से, वरना मेरे सिक्योरिटी गार्ड को 2 मिनट लगेंगे आप दोनों को यहाँ से उठा के बाहर फेंकने में। समझ रहे ना? इज्जत से बोलो, जाइए तो जाइए। हमें करनी भी नहीं जॉब आपके ऑफिस में। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रिक्की। थैंक यू सर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि आपके पास डिग्री जितनी मर्जी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है ना, तो वो डिग्रियां व्यर्थ हैं। आपने जो भी पढ़ाई की है उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट करके दिखाए हैं, बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। और ऐसे बहुत सारे आपके पास उदाहरण मिल जाएंगे कि लोगों ने बड़े बड़े पदों को हासिल किया है। जैसे कि हम बिल गेट्स का नाम ले, तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो डिग्रियां मोहताज नहीं है सक्सेस की, और सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो वो डिग्रियां व्यर्थ है। वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब हमारा मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। बाकी हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कोई सुझाव देना हो तो जरूर देना कमेंट्स के अंदर, हम उसको कंसीडर करेंगे। कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहें कि हम वीडियो बनाएं तो हम जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।